सारा दिन आप यहाँ से वहाँ भागती रहती हैं। क्या हुआ है आपके पैर में? कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी मोच लगी है बस। ठीक हो जाएगी, हटो। चलिए बैठिए यहाँ, ठीक तो तब होगा ना जब आप बैठेंगी। आइए, एक मिनट। देखे लाइए। अरे ये क्या कर रही है? मालिश, ये ना आयुर्वेदिक तेल है, इससे आपको बहुत आराम लगेगा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, परंजु रहने दो, गाय की बहुत काम पड़ा है ना, और हमको फिर इंद्रेश को भी देखना है। दीदी, इंद्रेश के पास बड़के भैया है ना, वो देख लेंगे। दीदी आप ना थोड़ा अपना भी ख्याल रखा करिए, देखिए तो पैर की नसें कैसे सूज गई हैं। रंजू, अभी बीते दिनों में कितना कुछ हुआ ना हमारे घर पे। हे को निधि, पिटिया कहते कहते हमारा मुंह नहीं थकता था, और वो हमको धोखा देकर चली गई। और हमारा तो ठीक है, पर इंद्रेश पे का गुजर रही होगी, बेचारे का तो दिल ही टूट गया। दीदी एक बात कहें? हाँ बोलो। हमको क्या लगता है ना कि इंद्रेश के दिल में अभी भी स्वाति बसती है। बधाई हो कुंती देवी, भगवान कृपा तुम्हारे बेटवा अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो इस बार की दिवाली जो है और ज्यादा रोशनी वाली होगी। दीदी आप ही क्या कर रही हैं? दीपावली की तैयारी। स्वाति, दीपावली का त्योहार महालक्ष्मी का त्योहार है, जिन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है, और फिर जहाँ हम रहते हैं उसे स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रहने की जगह साफ होगी तभी मन शांत होगा। तो हम भी आपकी मदद करेंगे, बताइए हम क्या करें? तो बताओ हमारा हाथ।